त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक द्वारा कथित तौर पर पॉर्न देखने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर त्रिपुरा मोथा पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। पार्टी प्रमुख प्रद्युत वर्मा ने ट्वीट कर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी सीख मिल सके। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अनिमेश देववर्मा ने भी घटना को लज्जाजनक बताते हुए आरोपी विधायक को कम से कम 6 साल के लिए निलंबित करने की मांग की। जे पवित्र विधानसभा आज के सभ्य जगते मानुषर साथे कथा ना बोले एक जन विधायक ये नील छबिर क्लिपिंग्स देखें ये घटना के निंदा जानाबो आम्रा दाबी जानाबो जे चेयरटाते जादव बाबू बसे ये ब्लू फिल्मटा देखेछे ये चेयरटाके जेन बेर करे एने गंगार जले एटाके परिशुद्ध करे ये चेयरटाके आबार विधानसभार भितरे निये जावा हय एवं जादव बाबूके सेइखाने जेन आर बसानोर कोनो विधान ना राखे स्पीकार महोदयके एक्शन निते हबे एवं एमोनी एकटा शास्ति होक যে অন্তত আগামী 6 বছর এই পবিত্র হাউসে যেন উনি না আসতে পারে তার একটা বিধান। দিস ইজ আর ডিমান্ড। আরবাই তিপ্রা মোথা কে সাথে সিপিআইএম আর কংগ্রেস নে ভি আরোপী বিধায়ক কো তৎকাল প্রভাব সে নিলম্বিত করনে কি মাং কি হে। ও বহুত ইয়ে শরমনাক বাত হে। ইসকে খিলাফ सख्त कदम उठाना चाहिए। जितना जल्द हो सके उसको रिज़ाइन कराना चाहिए और इसके ऊपर कोई अगर आईनी जो व्यवस्था ही है वो विधानसभा की तरफ से होना चाहिए। उनको जल्दी निलंबित करना चाहिए। ये पवित्र असेंबली में बैठ के जब जनता के लिए बोलना चाहिए, जनता के बारे में सरकार की प्लानिंग क्या है, सोच क्या है, इसके बारे में बातचीत हो रहा है, अपोजिशन लोग आवाज़ उठा रहा है, उसी टाइम उनकी इलेक्टेड मेंबर जो काम कर रहा है, इतना घिनौने काम कर रहा है, उसको तो सख्त कड़ी सजा होना चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल एज पर एज गोवा नो मेंबर विदाउट एनी परमिशंस mobile phone should not be used in the floor of the assembly. It is one offense. But he not only use it, he is seen that he is going a very illegal video which is harmful to the society. It is the duty of the speaker that he should be sacked. A proper inquiry should be done from their party as well as from the side of the speaker. We demand it. His early political life, he was in the CPIM. For the nuisance with women, on behalf of our party CPIM, we expelled him and defalcation also there. After that, he joined the BJP. This type of man he is in his early character. Assembly has a prestigious body, highest body of our state. For that practically we hope, as well as the speaker of the assembly and the party of the BJP should take stunt action against him. A proper inquiry, without inquiry, one man cannot punish. The inquiry should be done not outside, it is done by the speaker. And from their party also, some stunt action should be there. अरे इस पूरे मामले पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता नवीन भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर है। आरोपी विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन पत्रकारों से ये बताइए, मीडिया में दिखाया गया है और इसके सच्चाई जो है वो जांच की काम चल रही है पार्टी की तरफ से। और पार्टी की तरफ से जो विधायक है, आरोपी विधायक,
उनको बोला गया है कि इस विषय में उनका स्पष्टीकरण दे और तुरंत ये स्पष्टीकरण दे। इसके बाद पार्टी नेतृत्व सोचेंगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए। बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम लोग कि इसका इसमें सच्चाई कितनी है ये भी देखना ज़रूरी है, और इसके बाद ज़रूर कार्रवाई होगी। और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो तो अपनी तरफ से वो देखेंगे क्या है विधानसभा के अंदर, आइन सभा के अंदर अगर ये चलता है तो वो किस तरह से स्थिति को संभालेंगे, वो फिर वो अलग तरह से इंक्वायरी होगा। लेकिन पार्टी की तरफ से ये चल रहा है, उनके पास स्पष्टीकरण की मांग की गई है और तुरंत उनका मत प्रकाश करने के लिए बोला गया है।